जय हिंद दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक बहन किसी की बेटी उससे उसके बारे में बात करने के लिए। इंदौर की एक लड़की है ये, जिसको वहां के पुलिस प्रशासन, वहां के कोई नेता कोई साथ नहीं दे रहा है। इसकी गलती ये है कि वो अकेली है और बेजुबान जानवरों को संभाल रही है, ये उसकी गलती है। तो उसके साथ क्या गलत हो रहा है आप उसके मुंह से सुन लीजिए। एक ये मेरा लास्ट वीडियो है, मैं पिपलियाना स्क्वायर तिलक नगर इंदौर में रहती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस, तिलक नगर थाने के अधिकारी, डीआईजी, एसएसपी, एएसपी, सब लोग इस बात से अवेयर है कि मैं यहाँ ग्रेटर ब्रजेश्वरी में रहती हूँ। यहाँ पे मैंने 40-45 हैंडीकैप स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर दिया हुआ है, जिनको मैं 1.5 साल से पाल रही हूँ, अपनी खुद की अर्निंग से संभाल रही हूँ। ये पहली बार है जब मैंने पूरे इंदौर से हेल्प मांगी है। 10 महीने से तिलक नगर इंदौर थाने की पुलिस मेरे साथ इतनी भद्दी भद्दी चीजें करा रही है। इस एरिया में लोगों ने कसाई खाने खोले हुए हैं भेड़ों के, बकरी के, अवैध अतिक्रमण कर रखा है। सोसाइटी गार्ड 10-10, 12-12 हजार रूपए भेड़ बकरियां यहाँ पे पलवाता है, जिनको कसाई खानों में बेचा जाता है। मैं 10 साल से पिछले करीब 10 दिन से मैं तिलक नगर थाने के चक्कर काट रही हूँ। 10 महीने हो गए मुझे, 10 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे घर के सामने बैठ के लोग ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। शाम के 5 बजे के बाद मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं तिलक नगर की पुलिस को कंप्लेंट करती हूँ तो तिलक नगर की पुलिस कहती है क्योंकि आपके घर में कोई आदमी नहीं है ना, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो ना मैडम, क्योंकि आपने शादी नहीं की है ना, क्योंकि कुत्ते है ना। ये लोग जो यहाँ पे कसाई खाने चलाते हैं, ये रोज शाम को 5-6 बजे मेरे घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। 3-4 महीने पहले भी मैंने वीडियो वायरल किए थे, जब मेरा हाथ तोड़ा गया था, जब मेरा फोन तोड़ा गया था। पुलिस मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कर रही है, इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है कि मैं 10 महीने से किसी तरह सिचुएशन सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सोच के कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये 40 बच्चे होमलेस हो जाएंगे। 3 दिन पहले मेरे 3 साल के पले पलाए कुत्ते को इन भेड़ बकरी वालों ने घेर के मार डाला। उसका गला टूटा हुआ था, चारों टांगें टूटी हुई थी, और जब मैंने बोला कि मैं एफआईआर कराऊंगी, कल पोस्टमार्टम होगा, तो अगले दिन उसकी डेड बॉडी भी गायब हो गई। एनिमल वेलफेयर की बातें सुन सुन के मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं कितने एनजीओ के कुत्तों को मेरे घर में मैं फॉस्टर कर रही हूँ फ्री में, मैंने शेल्टर दिया हुआ है। ये गलती है ना इसका, ये गलती है ना इसका, जो आज ये बेजुबान को संभाल रही है, कभी फैमिली को नहीं देख रहा है, अभी इनको बच्चे लोग को संभाल रही है, गलती है उसकी। पर कुछ हराम मादर चोत के बच्चे इस बहन को धमकियां दे रहे हैं, वहां का पुलिस प्रशासन इसको साथ नहीं दे रहा है। कहां है रे महिला आयोग, कहां पे है वहां के नेता, कहां पे है, कहां पे आप लोग, जो एक लड़की के लिए आवाज उठाने के लिए तुम लोग को शर्म आता है क्या? हाँ, ये लड़की को इंसाफ मिलना मांगता है। हाँ, ये लड़की को इंसाफ मिलना मांगता है। आज इसके साथ हो रहा है ना, कल तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है, तुम्हारे साथ भी होएगा। हाँ, तो अभी जागो, बस हो गया अभी। हाँ, बस हो गया, ईमानदारी की जिंदगी जो जी ली है ना घर में बैठ के, वो बर्गर और पेप्सी पिया ना, अभी बस करो अभी। अभी बाहर निकलो, बाहर में भी ऐसी दुनिया है जहाँ पे बच्ची लोग के साथ ऐसा हो रहा है, समझा? तो बाहर निकलो अभी, बस करो ये अभी। अंदर बैठ के इसने ये किया, उसने वो किया, बोलना बंद करो और बाहर निकलो। अगर इंदौर के जो अगर कुछ लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है तो ये बहन बेटी कोई भी है ना, इसको सपोर्ट करो जरा। हाँ, सपोर्ट करो जरा इसको।